बुलंदशहर से रीशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। एएसपी ने छापेमारी कर अवैध मिट्टी खनन पकड़ा। बुलंदशहर में एएसपी अनुकृति शर्मा ने छापेमारी कर अवैध मिट्टी खनन पकड़ा। 10 बीघा भूमि पर 10 फुट गहरा किया गया अवैध मिट्टी का खनन। मौके पर मिले दो डंपरों को किया सीज। खनन माफिया भी उसके गुर्गों को पुलिस ने हिरासत में ले शुरू की पूछताछ। बुलंदशहर के अच्छेजा गांव में चल रहा था अवैध मिट्टी खनन। तो हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि यहाँ से अवैध रूप से मिट्टी का खनन हो रहा है, काफ़ी सारे ट्रक जो है मिट्टी लेकर जा रहे हैं। तो उसी सूचना को चेक करने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पाया गया कि अच्छेजा का जंगल है, ये क्षेत्र ठंडी प्याव चौकी में आता है और यहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया में कोई लगभग 10 बीघा का एरिया होगा जहाँ पे 10 फिट तक इन लोगों ने लगभग मिट्टी खोद दी है। तो हम लोगों ने 2 डंपर मौके से ही सीज किए और ऐसी सूचना मिली कि बाकी डंपर भी हैं। जेसीबी भी 2 थे जो कि खुदाई कर रहे थे, तो उन सब की तलाश में हम लोग निकले। हमने मौके से ठेकेदार को भी और जो यहाँ पे खुदाई करवा रहे थे उनको अपनी हिरासत में ले लिया और बाकी कार्रवाई की जाएगी। मैम, क्या जो खनन अधिकारी है उनको भी सूचना दी गई? हाँ, खनन अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है पर हो नहीं पा रहा।